हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छी चीज़। इसे कहते हैं धूप घड़ी या सूर्य घड़ी भी कह सकते हैं। तो लखनऊ में ही ये मौजूद है और ये सूरजकुंड पार्क में अंदर बनी हुई है। और सूरजकुंड पार्क कहाँ है मैं आपको बता दूँ। सूरजकुंड पार्क है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला से जुड़ा हुआ ये पार्क है। और यहाँ जब आप आएंगे तो सूर्य घड़ी है जो सूर्य की रोशनी द्वारा समय बताती है, सही समय बताती है ये वैसे। और एक सिस्टम है प्राचीन मिस्र टाइम पे सेक्साजेसिमल सिस्टम देखते थे कि जब घड़ी का नाप लेना था उनको, घड़ी मतलब समय को नापना था, समय क्या हो रहा है कैसे पता लगाना उनको, जब पता लगाना था समय का तो इस सिस्टम द्वारा उन्होंने पता लगाया। उसका सिस्टम कुछ यूँ था, इस पांच उंगलियों को, जैसे इनमें तीन 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 तीन, ये चार उंगलियाँ जो दी थंब डायरेक्शन के लिए, थंब को इस्तेमाल करते थे डायरेक्शन के लिए, तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह, ये बारह, तो पाँचों को ये क्या करते थे, बारह तीन तीन ये बारह हो गए, बारह गुड़े पाँच तो इजिकल टू 60, तो 60 को ही ये मिनट्स मानते थे, 60 मिनट्स। तो इस तरह से सेक्साजेसिमल सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है, आप ज़्यादा से सेक्साजेसिमल सिस्टम को आप YouTube पे भी देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बगैर देर किए हुए वो घड़ी जिसको बारे में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए आपको, तो ये है वो घड़ी। अगर आप अभी टाइम देखेंगे तो लगभग 2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं। और अगर मैं अपने मोबाइल में टाइम देखूं तो यही टाइम हो रहा है इस वक्त भी। और जब आप यहाँ पे आएंगे सूरजकुंड पार्क में तो ये आपको अंदर नज़र आएगा। आप आके, ये पूरी तरह से फ्री है, आप कभी भी आके इसको देख सकते हैं। और बगल में ही बहुत खूबसूरत सा ताल है, तो जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे भी समय व्यतीत करें। और ये भी बहुत ही पुराना है, बहुत सुंदर है। और ज़रूर मैं एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों से, आप सभी से, कि प्राचीन काल में रात में समय का कैसे पता लगाते थे, तो ये क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करके इस वीडियो में बताएं। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और भी अच्छी वीडियो के लिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक